तो पिछले चैप्टर के बाद अब हम लोग एक नया डेफिनेशन समझेंगे और इस डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ डेरिवेशन है, डेरिवेशन को किया जाएगा, फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम है उनको किया जाएगा। तो उसमें हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसके पहले हम लोगों ने रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ये दो वर्क हम लोगों ने किया कि जब कोई भी पार्टिकल एक पाथ पे मूव करता है तो जो उसका रेडियस वेक्टर है उस रेडियस वेक्टर की अलांग जो वेलोसिटी होती है वो हमारा रेडियल वेलोसिटी, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसवर्स वेलोसिटी। लेकिन यहाँ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल ये दोनों वेलोसिटी को हम लोग को समझना है। तो पहले ये समझ लें कि टेंजेंशियल वेलोसिटी है क्या। तो कोई हमारा एक पार्टिकल है और वो किसी कर्व पे मूव कर रहा है, तो ये सपोज किया जाए कि जैसे हमारा इस कर्व का कोई एक फिक्स्ड पॉइंट जहाँ से पार्टिकल मूव कर रहा है, तो किसी टाइम टी पर, यानी ये जो कर्व है इस कर्व का एक फिक्स्ड पॉइंट हम कोई ले लें, सपोज कर लें हमने उसको ए कह दिया, और किसी टाइम टी पर इसका पोजीशन हो गया पी। तो जब यह ए से पी पर पहुंचा और इसका जो आर्क लेंथ है उस आर्क लेंथ को यदि हम एस से डिनोट करें, तो जो पी है इस पी पर हम इसके टेंजेंट के अलांग वेलोसिटी, यानी डेरिवेशन को पहले बाद में करेंगे, पहले डेफिनेशन एक बार जान लें। कोई एक पार्टिकल किसी कर्व पे मूव कर रहा है तो जिस पॉइंट पर भी हमको टेंजेंशियल वेलोसिटी या नॉर्मल वेलोसिटी डिटरमिन करना होगा, तो उस पर टेंजेंट के अलांग, यानी ये हमारा कर्व है और इस कर्व का जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा, और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो हमारा नॉर्मल वेलोसिटी होगा। यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है कि कोई भी कर्व पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पे उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी उसके टेंजेंट के अलांग जो वेलोसिटी होगी वो हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा, और उसी पॉइंट पर उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हमारा वेलोसिटी होगा वो हमारा नॉर्मल वेलोसिटी होगा। जैसे रेडियस वेक्टर के अलांग रेडियल और उसके परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स, वैसे टेंजेंट के अलांग टेंजेंशियल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल वेलोसिटी। तो ये हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी क्या हुआ, ये तो इसकी डिफिनीशन है। अब इसका हम डेरिवेशन की टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो क्या होता है, तो उसको डिटरमिन करने के लिए छोटा सा वर्क है। कोई भी एक कर्व हमने लिया जिस कर्व पर पार्टिकल मूव कर रहा है, और सपोज किया गया कि वो कर्व पार्ट पर पार्टिकल ए से स्टार्ट करता है मूव करना, तो किसी भी टाइम टी पर वो जिस पोजीशन पे गया उसको यदि हम पी से डिनोट कर लें, तो ए से पी के बीच का जो आर्क लेंथ है उस आर्क लेंथ को सपोज कर लिया गया कि एस, और फिर क्या किया गया कि इस पी से डेल्टा टी टाइम के बाद इसका पोजीशन हो गया क्यू, यानी ये जो कर्व है उस कर्व का पोजीशन हमने ले लिया क्यू, तो ये कर्व हमने ले लिया, इसका पोजीशन ले लिया यहां से, ये कर्व टाइप दिखे, ये तो कर्व हमने ले लिया, दूसरा पोजीशन हमारा हो गया क्यू। तो ये क्यू पर जो आर्क लेंथ हुआ वो एस से यह डेलियस, अब डेलियस जो हम लेते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी के लिए लेते हैं, लेकिन देखें यस यहाँ लिया गया, इतने को डेलियस लिखा गया, डेलियस जबकि स्मॉल लेंथ के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा इसलिए कि अभी कुछ फिगर बनाना है, यदि हम बहुत छोटा डेलियस को यहाँ दिखावें तो जो फिगर होगा वो फिगर अस्पष्ट दिखेगा नहीं, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया है, लेकिन एक्चुअली डेल जिसके भी पहले आ जाता है इट मीन्स उसकी स्मॉल क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि यह जो आर्क लेंथ यस, यानी टी टाइम पर इसका जो पोजीशन हुआ वो पी हुआ, और डेल्टा टी टाइम के बाद यानी टी प्लस डेल्टी टाइम पर इसका जो पोजीशन हुआ उस पोजीशन को हमने क्यू से डिनोट कर लिया,
और तब इस ए से क्यू तक का जो आर्क लेंथ है वो हमने एस प्लस डेल एस ऐसा ले लिया, यानी यस यह है और इसके बाद का जो है वो हमारा डेल एस, ये जो आर्क लेंथ हुआ वो हमारा डेल एस ऐसा हो गया। ये आर्क लेंथ यहाँ से यह एस और ये हमारा डेल एस ऐसा हो गया। तो अब हम देखेंगे कि इससे जो टेंजेंट है, टेंजेंट के एलांग पी से क्यू तक पहुंचने में इसका टेंजेंट के एलांग कंपोनेंट क्या होगा, तो जो इसका टेंजेंट के एलांग कंपोनेंट होगा यानी डेल्टा टी टाइम में टेंजेंट के एलांग कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उस डिस्प्लेसमेंट में जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, और उसमें जब हम डेल टी टेंस टू जीरो यानी टी से पी से क्यू तक आने में डेल्टा टी टाइम लगा और जब वह डेल टी जीरो को टेंड करेगा तब जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी है पी होगा। तो यही हमारा वर्क रहेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए। तो ये जो हम लोगों ने अभी फिगर बनाया है उस फिगर को एक बार हम लिख लेते हैं, फिर इसका डेरिवेशन में जो वर्क हमको और करना होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट पार्टिकल P moves along the curve suppose its position at time t is p whose distance from fixed point is S and at time t plus del t it reaches at q whose distance इज एस प्लस डेल एस। अभी हम लोगों ने जो ये लिया है कि कोई एक पार्टिकल पी है जो इस कर्व पे मूव कर रहा है और किसी टाइम टी पर इसका पोजीशन पी है, तो इस फिक्स्ड पॉइंट ए से इस पी का जो आर्क लेंथ है वो जो डिस्टेंस है वो हमारा एस है, और टी प्लस डेल्टा टी पर एक पार्टिकल क्यू पर पहुंचता है जिसका डिस्टेंस एस प्लस डेल एस हो जाता है। तब हमको निकालना है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पी, तो देयरफॉर टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पी इज इक्वल टू, अब देखें डेल्टा टी टाइम पे ये पी से क्यू तक पहुंचने में लगा डेल्टा टी टाइम, तो इसका डेल्टा टी टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के अलावा कितना हुआ ये निकालना है। तब हम क्या करते हैं, क्यू से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, पी से क्यू से परपेंडिकुलर ड्रा किया और ये सपोज कर लिया कि इसको हमने एन से डिनोट कर लिया, ए एन से डिनोट कर लिया, तो जो क्यूएन है वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर में डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा टी टाइम में, लेकिन जो पीएन है ये पीएन ही पी से क्यू तक पहुंचने में जो डेल्टा टी टाइम लगा है उस डेल्टा टी टाइम में ये हमारा टेंजेंट के अलांग जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा पीएन होगा। तो इस पीएन में ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा टी टाइम है, तो इस पीएन में जब डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी आएगी और वो वेलोसिटी जब हमको पी लेना होगा तो जो यह डेल टी है वो जीरो को टेंड करेगा तब जो वेलोसिटी होगा वो हमारा पी पर आ जाएगा। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पी इज इक्वल टू लिमिट
डेल्टी टेंस टू जीरो, यानी जो अभी वेलोसिटी निकालेंगे और जो वेलोसिटी डेल्टी टेंस टू जीरो पर आएगा वो हमारा वेलोसिटी एट पी होगा। तब ये वेलोसिटी हमको कैसे मिलेगा, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग टेंजेंट, डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग टेंजेंट इन टाइम डेल्टी, तो डेल्टा की टाइम में टेंजेंट के एलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसमें हम जो जितने टाइम में हुआ उससे जब डिवाइड कर देंगे तब ये हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि टेंजेंट के एलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है वही फिगर में पियन है, तो लिमिट डेल्टी टेंस टू जीरो यह पी एन अपान डेल्टा टी। अब पी एन की वैल्यू निकालें, तो पी एन की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करें कि पी से क्यू को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा सा इसीलिए फिगर में इसको थोड़ा हमने दूर इसको बनाया था कि आर्क और कार्ड इसका फर्क आपको महसूस हो। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन ले लिया गया क्यू से और क्यू से इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया पी क्यू, पी क्यू। और चूंकि ये आर्क लेंथ एस है और डेल्टा टी टाइम में जो इसमें आर्क में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको डेल एस कहा और टाइम में जो चेंज हुआ उसको डेल टी कहा, इसलिए जो ये टेंजेंट है इस टेंजेंट से और इसके बीच का जो एंगल है उसको हमने डेल थीटा, ये हमने डेल थीटा ऐसा ले लिया, यानी स्मॉल क्वांटिटी के लिए डेल थीटा। तो ये हमारा यह जो टेंजेंट है इस टेंजेंट से ये डेल्टा टी टाइम में ये कितना रोटेट हुआ है, यानी टेंजेंट से जो कार्ड पिक हुआ है इसके बीच का एंगल जो है हमारा डेल थीटा। तब आप देखें अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया पी क्यू एन जो है या पी एन क्यू है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें ये इसका हाइपोटेन्यूस है, तो इसका कंपोनेंट यानी कार्ड पी क्यू, अब पी क्यू दो है, एक आपका कार्ड है और एक आपका आर्क है, तो आर्क का जो लेंथ है वो डेलस है और कार्ड का लेंथ क्या है हमको पता नहीं, तो ये जो लेंथ है वो तो आपका डेलियस या डेलियस है, ये आर्क का डेलियस है। तब हम क्या करते हैं कि कार्ड पी क्यू और कास डेल थीटा, इसका कास लेंगे तो टेंजेंट के लाइन और साइन लेंगे तो उसके परपेंडिकुलर के लाइन, तब यहाँ से ये वैल्यू जो हमको मिलेगा वह लिमिट डेल्टी टेंस टू जीरो पी एन कार्ड पी क्यू, कार्ड पी क्यू कास डेल थीटा। ये हमारा यहाँ से ये कंपोनेंट आ गया और अपान डेल टी ये आ गया, यानी जो यह कार्ड पी क्यू है इसी का कास डेल थीटा लेंगे तो हमको पी एन निकल आएगा। अब हमें देख रहा है कि हमारे पास डेलियस तो दिया है, आर्क लेंथ जो आर्क का लेंथ है डेल्टा टी टाइम में वो दिया है, लेकिन कार्ड का लेंथ नहीं दिया है। अब हम ये देखेंगे कि जो ये कार्ड है और आर्क है, तो कोई कार्ड है जैसे हमारा यह आर्क और ये हमने कार्ड ले लिया, तो ये कार्ड के लेंथ में और आर्क के लेंथ में डिफरेंस है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है इसके लेंथ से ये लेंथ बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन आप क्या करें कि ये जो कार्ड है इसको थोड़ा और पास लाए, अब हमने यह ले लिया कार्ड को और पास लाया, तो जब और पास लाया तो इसमें और इसके आर्क और कार्ड में जो डिफरेंस था अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कम आ गया है। अब जब यह हमारा जितना करीब आता जाएगा कार्ड और आर्क के बीच का डिफरेंस कम होता जाएगा, और जब यह जीरो को टेंड करेगा तो कार्ड का लेंथ और आर्क का लेंथ नियरली इक्वल आ जाएगा, यानी जब यह डेल टी जीरो को टेंड करेगा
ये कार्ड में और आर्क में दोनों के लेंथ में डिफरेंस है, लेकिन जब यह क्यू जितना पास आता जाएगा कार्ड और आर्क में डिफरेंस उतना ही कम होता जाएगा, और जब यह जीरो को टेंड करेगा तो वो हमारा जो डिफरेंस हुआ वो समाप्त हो जाएगा, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब उस स्थिति में कार्ड का और उसके लेंथ का ये दोनों जब सेम हो जाएंगे तो उसका जो रेशियो आएगा वो हमारा वन आ जाएगा। अभी आप देखें, और जो एक चीज और देखेंगे कि ये जितना पास आता जाएगा ये जो डेल थीटा है वो डेल थीटा भी उतना ही लेस होता जाएगा, यानी हमारा यहाँ से ये टेंजेंट है और ये लेंथ है, अब जब ये और पास आ गया तो ये लेंथ और कम हो गया, तो यानी जितना ये पास आएगा, और पास हम क्यों ला रहे हैं, क्योंकि जब हमको वेलोसिटी पी पे लाना है तो डेल्टी जीरो को टेंड करेगा, तो अभी डेल्टी तो यहाँ से यहाँ तक आने में लगा टाइम है, और जब टाइम जो जो कम होता जाएगा ये क्रमशः और पी के पास आता जाएगा, जब जीरो को टेंड करेगा तो पी के बहुत पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जब यह डेल टी जीरो को टेंड करेगा तो जो कार्ड पी क्यू है ओ और जो उसका आर्क लेंथ है वो ये दोनों सेम रेशियो, दोनों नियरली इक्वल हो जाएंगे, और यह जो डेल थीटा होगा वो जीरो को टेंड करते जाएगा। तब हम क्या करते हैं कि इसमें ये लिमिट यह डेल टी जीरो को जो टेंड कर रहा है तो यह कार्ड पी क्यू और अपान आर्क पी क्यू ये हमने ले लिया। आर्क पी क्यू क्यों लिया, क्योंकि उसी का लेंथ डेल है सबको मालूम है, तो ये यहाँ दिया नहीं है, तो जब नहीं दिया है तो डिवाइड किया है कि इसकी वैल्यू में परिवर्तन ना हो, इसलिए या हम फिर उसे न्यूमरेटर में ले लिया और तब आपका यह डेल टी ऐसा आ गया। अब आपको ये और यह कास डेल थीटा, कास डेल थीटा ऐसा है। अब इसमें आप लिख सकेंगे यह लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो कार्ड पी क्यू और आर्क पी क्यू का लेंथ डेलियस है, इसीलिए तो इसको लिया गया है, और फिर यहाँ से यह डेलियस और अपान डेल टी और यह कास डेल थीटा। अब देखें जब यह डेल टी टेंस टू जीरो पर लिमिट लेंगे तो कार्ड पी क्यू और आर्क लेंथ ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो जब इक्वल आएगा तो इसका रेशियो हमको वन दे देगा, और जब यह डेल टी जीरो को टेंड करेगा तो ये और यह दोनों कौन साइड हो जाएंगे, एंगल हमारा जीरो हो जाएगा, तो जब कास जीरो होगा तो इसकी वैल्यू वन। तो यानी हमने देखा कि डेल टी टेंस टू जीरो पर ये वैल्यू वन दे दिया, और यह कास जीरो ये भी वन दिया, और यह डेल एस बाई डेल टी और यही डेल टी जीरो को टेंड कर रहा है, तो जो जीरो को टेंड करता है और उसी का लिमिट लेते हैं तो अभी डी एस बाई डी टी आ जाए, तो दिस इंप्लाई यहाँ से डी एस बाई डी टी ऐसा आ जाए। अब जब डेल टी, इस बात को ध्यान रखेंगे कि वेन डेल टी टेंस टू जीरो कार्ड पी क्यू टेंस टू आर्क पी क्यू एंड डेल थीटा टेंस टू जीरो, इसका यूज हम लोगों ने किया है कि जब डेल टी जीरो को टेंड करेगा तो कार्ड पी क्यू आर्क पी क्यू को टेंड करेगा, और जो डेल थीटा होगा वो हमारा जीरो को टेंड करेगा, तो कास जीरो की वैल्यू वन, और ये दोनों सेम आ गया तो उसका रेशियो वन, और डेल एस बाई डेल टी डिनोमिनेटर डेल टी जीरो को टेंड करेगा तो यही हमारा डी एस बाई डी टी आ जाएगा। अब हम नोटेशन जो लेते हैं कि टी के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होता है उसको हम डॉट से डिनोट करते हैं, तब इसी को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एस डॉट मीन्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी ऐसा हुआ। तो इस तरह से ही हम लोगों ने टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाला। अब हमको नॉर्मल वेलोसिटी निकालना होगा, तो अब इसी में देखें टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी में क्या फर्क हो जाएगा,
कि जब हमको नॉर्मल वेलोसिटी लेना होगा तो जो टेंजेंट होगा डिस्प्लेसमेंट यानी पी से क्यू तक आने में डेल्टा टी टाइम लगा, तो इस डेल्टा टी टाइम में पी पर नॉर्मल वेलोसिटी लेना है। तो देखेंगे कि पी पर जो टेंजेंट है डेल्टा टी टाइम में टेंजेंट के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, तो परपेंडिकुलर जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा टी में वही क्यूएन है, और जब क्यूएन की वैल्यू लेंगे तो जो कार्ड पी क्यू आया है वो हमारा ये तो कास था ये साइन डेल थीटा है। तो इतना ही हम आगे वर्क करके हम तब देखते हैं कि हमारा क्या फर्क आएगा। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की जगह अब हम इसको नॉर्मल वेलोसिटी, तो जो नॉर्मल वेलोसिटी होता है वो आपका वो वेलोसिटी जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। तो टेंजेंट हम लोगों ने यहाँ टेंजेंट का निकाला है, अब उसका कंपोनेंट निकालेंगे टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अब हम यहाँ से नाउ नॉर्मल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी एट पी, जब पी कहेगा तब हम लिमिट लेंगे लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो या लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एलांग, एलांग नहीं परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पी इन टाइम डेल्टी, यानी डेल्टी टाइम में टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें जो टाइम है उससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा वेलोसिटी नहीं वेलोसिटी आएगा, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टेंजेंट के है इसलिए वो नॉर्मल वेलोसिटी होगा। और वो नॉर्मल वेलोसिटी एट पी हो तो इसके लिए हमको ए डेल्टी को जीरो टेंड करे तब वो जो पोजीशन होगा वो आएगा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यह लिमिट और यह डेल्टी टेंड्स टू जीरो और यही डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट एट पी इसके परपेंडिकुलर उसी को हमने डिनोट किया है क्यू एन और अपान यह डेल्टी। अब क्यू एन की वैल्यू निकालेंगे तो यह कार्ड पी क्यू और ये साइन डेल थीटा, तो ये वैल्यू आ गया लिमिट डेल्टी टेंड्स टू जीरो, तो यह कार्ड पी क्यू साइन डेल थीटा और अपान डेल्टी ऐसा कर लिया। और फिर कार्ड पी क्यू में अब डेलियस को लाएंगे, डेलियस को इसलिए कि जब डेल्टी टेंड टू जीरो होगा तो जो डेलियस है और कार्ड है दोनों का रेशियो वन हो जाएगा तो हमारा कार्ड समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कार्ड का लेंथ मालूम नहीं है और आर का लेंथ हमको मालूम है। तब यहाँ से यह लिमिट डेल्टी टेंड्स टू जीरो कार्ड पी क्यू अपान डेलियस इंटू डेलियस अपान डेल्टी और इंटू डेल्टी ऐसा आ गया। अब जब यह डेल्टी जीरो को टेंड करेगा तो कार्ड पी क्यू और यह डेलियस ये दोनों का लेंथ सेम होगा तो ये वैल्यू वन दे देगा, ये साइन डेल थीटा है, साइन डेल थीटा, साइन डेल थीटा। तब आप यह डेल टी टेंड्स टू जीरो करेंगे तो यह डीएस बाई डी टी आएगा, लेकिन डेल थीटा जब जीरो को टेंड करेगा तो ये साइन जीरो जीरो दे देगा, इसलिए जीरो से ये सारा प्रोडक्ट है वन ये डीएस बाई डी टी, लेकिन ये जीरो से प्रोडक्ट हुआ तो आपको टोटल जीरो आ गया, तो इसलिए ये वैल्यू हमारा जीरो आ गया। अब यह जीरो क्यों हुआ, क्योंकि व्हेन डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल थीटा टेंड्स टू जीरो सिंस डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल थीटा टेंड्स टू जीरो दिस इंप्लाई साइन डेल थीटा टेंड्स टू जीरो, ये हमारा जीरो को टेंड कर लिया इसलिए हमारा जीरो है।
तब आप यहाँ देखेंगे कि यदि कोई भी एक कर्व है उस कर्व के अलावा कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी हुआ वो तो हमारा डीएस बाई डीटी हुआ, लेकिन उसका जो नॉर्मल वेलोसिटी वो नॉर्मल वेलोसिटी जीरो हो गया। इसीलिए जनरली जो हम लोग यूज करते हैं कि कोई भी कर्व पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है उसकी टेंजेंट का डायरेक्शन होता है, यानी जितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो टोटल वेलोसिटी टेंजेंट कहला, क्योंकि उसका नॉर्मल कहलांग जो वेलोसिटी होता है वो जीरो हो जाता है। तो ये हमारा टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी हुआ। अब हमको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन ये दोनों का डेरिवेशन करना है। तो डिफिनेशन तो वही कि जो एक्सीलरेशन हम टेंजेंट कहलांग लेंगे वो हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और जो एक्सीलरेशन टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे वो हमारा नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन इसका डेरिवेशन करें तो क्या फार्मूला आएगा, ये हम लोग को करना है। जबकि हम लोगों ने ये देख लिया कि टेंजेंशियल वेलोसिटी जो हुआ वो डीएस बाई डीटी हुआ, लेकिन नॉर्मल वेलोसिटी हमारा जीरो हो गया। तो अब इसका एक्सीलरेशन हम कैसे करेंगे उसको आप देखें। तो अब टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन लेना है। तो पीछे भी जो हम लोगों ने वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के लिए जो डेरिवेशन किया उसमें आपको ध्यान होगा कि जब हमको वेलोसिटी लेना होता है तो टी टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और फिर टी प्लस डेल्टा टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यह लेते हैं, यानी डेल्टा टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ उसमें डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं तब वो हमारा वेलोसिटी आता है। लेकिन जब हमको एक्सीलरेशन लेना होता है तब हम वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो हमको एक्सीलरेशन देगा, इसलिए टी टाइम पर उसके वेलोसिटी को लेंगे और तब टी प्लस डेल्टा टाइम पर उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो डेल्टा टी टाइम में उसकी वेलोसिटी में टेंजेंट के अलांग कितना चेंज हुआ, तो जब टेंजेंट के अलांग डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज हुआ उस वेलोसिटी में जब डेल्टा से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्सीलरेशन देगा, और वो टेंजेंट के अलांग हम देख रहे हैं कि कितना चेंज हुआ तो वो एक्सीलरेशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और एट पी लेना होगा तो यानी वो एक्सीलरेशन जब पी पर तो है तो डेल्टा टी पर है तो डेल्टा जीरो को टेंड करे तब वो एक्सीलरेशन क्या होगा, वो हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट पी ऐसा निकलेगा। तब अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो कर्व था इस कर्व पर अभी हम लोगों ने जो वर्क किया कि एक फिक्स्ड पॉइंट लिया और उस फिक्स्ड पॉइंट से किसी टाइम टी पर उसका जो पोजीशन था वो पी लिया और जो वेलोसिटी निकालना था तो डिस्प्लेसमेंट लिया, लेकिन अब हम डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे अब हम वेलोसिटी लेंगे कि किसी टाइम टी पर यदि इसकी वेलोसिटी भी हो और टी प्लस डेल्टा टाइम पर यदि इसकी वेलोसिटी भी प्लस डेल भी हो जाए तब हम देखेंगे कि डेल्टा टी टाइम में टेंजेंट के अलांग वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। तब यहाँ हम वेलोसिटी लेंगे, तो वेलोसिटी लेते समय इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उस समय उसके टेंजेंट के अलांग ही होता है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने प्रूव किया है कि जो नॉर्मल वेलोसिटी होती है किसी पार्टिकल पर वो हमारा जीरो हो जाता है। तब यानी भी वेलोसिटी से कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है तो हमारा यहाँ टी टाइम पर इसकी वेलोसिटी भी है और इसका जो पोजीशन है उसको हमने पी ले लिया। अब ये देखते हैं कि जो टेंजेंट है टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन जो हम डिनोट करते हैं वो हमारा ये एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से जो टेंजेंट एंगल बनाता है उसको साइज से डिनोट करते हैं। ये नोटेशन पहले से कैलकुलस में जनरली यूज होता है कि जब पार्टिकल है उसका जब हम पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं तो रेडियस वेक्टर आर और वेक्टोरियल एंगल थीटा तो हमारा थीटा होता है, लेकिन जो टेंजेंट एक्स एक्सिस से एंगल जो बनाता है उस एंगल को हम साई से डिनोट करते हैं। तब हमने लिया कि जो वेलोसिटी भी है वो किसी टाइम टी पर है और उसका डायरेक्शन टेंजेंशियल है तो टेंजेंट के लंग है और यह एक्स एक्सिस से सपोज कर लिया कि साई एंगल बनाता है। अब हमने सपोज किया कि डेल्टा टी टाइम में ये पार्टिकल क्यू पर पहुंच गया और तब टी प्लस डेल्टा टाइम में इसकी जो वेलोसिटी हुआ
उस वेलोसिटी को हम लोगों ने सपोज कर लिया कि अब यह वी प्लस डेल वी, यानी यह वी प्लस डेल वी ऐसा लिया, और इसका जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस है, वो हमने सपोज कर लिया साई प्लस डेल साई, यानी जब टाइम टी है तो उसके लिए जो वेलोसिटी लिया गया वह भी, और जब टाइम टी प्लस डेल टी हुआ तो वेलोसिटी भी प्लस डेल भी, और जो यह टेंजेंट जो एक्स एक्सिस एंगल बना रहा है वो साई प्लस डेल साई ऐसा है। तब हम देखेंगे कि जो ये आपका एंगल साई है और यह साई प्लस डेल साई है, इसलिए ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का यह एक्सटेरियर एंगल है, तो ये इसके और इसके सम के इक्वल होगा, तो जब यह साई है इसलिए ये एंगल जो होगा वो आपका डेल साई ऐसा आपको मिल जाए, ये डेल साई, क्योंकि यह जो एंगल है इस ट्रायंगल का यह एक्सटेरियर एंगल है, तो ये अपने सामने के दोनों जो एंगल होता है उसका सम होता है, तो सम साई प्लस डेल साई और ये साई है, तो ये जब साई प्लस डेल साई में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जो बचेगा वही हमारा है, यानी यह साई प्लस डेल साई हमको ये मिल गया। अब यह निकाले क्यों है, निकाले ये कि देख रहे हैं कि यह हमारा ये भी प्लस डेल भी है ए टी टाइप पर, तो इसका टेंजेंट जो है उसके अलावा कंपोनेंट क्या होगा, तो जो ये एंगल होगा वही एंगल ये भी हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी हमारा डेल साई ऐसा हो गया, डेल साई यानी वी प्लस डेल वी का टी टाइम में जो टेंजेंट एट पी है उसके अलावा जो कंपोनेंट होगा वो वी प्लस डेल वी कॉस डेल साई ऐसा हो गया, तो इसका कंपोनेंट डेल्टा टी टाइम में वी प्लस डेल वी कॉस डेल साई है, तो टी प्लस डेल टी टाइम में हुआ, लेकिन टी टाइम पर इसकी वेलोसिटी वी है और टी प्लस डेल टी टाइम पर इसकी वेलोसिटी वी प्लस डेल वी है, इट मीन्स वी प्लस डेल वी कॉस डेल साई में से इस वी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो केवल डेल्टा टी टाइम में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ वो हमारा निकल आएगा। तब यहाँ से टेंजेंशियल लिख लें जो यहाँ लिखा गया है, लेट भी बी द वेलोसिटी लेट भी बी द वेलोसिटी एट टाइम टी ऑफ ए पार्टिकल एट टी प्लस डेल टी टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी प्लस डेल वी लेट वेलोसिटी भी लेट पार्टिकल मैक्स एंगल साइड लेट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी मैक्स एंगल साई विथ एक्स एक्सिस एंड वी प्लस डेल वी
मैक्स एंगल साई प्लस डेल साई विथ एक्स एक्सिस। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट पी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टी टेंस टू जीरो चेंज इन वेलोसिटी along tangent in time del t upon del t। यानी ये लिखा गया हमको एक्सीलरेशन लेना है तो देखेंगे कि t प्लस del t टाइम पर इसकी वेलोसिटी p पर टेंजेंट के एलांग कितना है और टी टाइम पर टेंजेंट के अलांग वेलोसिटी कितना है। तो टी प्लस डेल्टी टाइम पर जो वेलोसिटी टेंजेंट के अलांग हुआ उसमें से टी टाइम की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डेल्टा टी टाइम में उसके वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ ये हमको निकल आएगा और उस वेलोसिटी में लगा टाइम यानी डेल्टी से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्सीलरेशन आएगा और वो एक्सीलरेशन में डेल्टी जीरो को टेंड करेगा तब जो आएगा वो हमारा एक्सीलरेशन एट पी आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखें कि लिमिट यह डेल्टी टेंस टू जीरो और ये आया वी प्लस डेल वी, वी प्लस डेल वी और यह कास डेल साई और माइनस वी और अपान डेल टी, ये वैल्यू हमको मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि कास डेल साई का हम फार्मूला जैसे कास थीटा का वन माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस थीटा टू दी पावर फोर इस तरह से हम करते हैं तो इसको हम फार्मूला लिख लें तो यह लिमिट डेल्टी टेंस टू जीरो और यह वी प्लस डेल वी इसका वन माइनस डेल साई का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस डेल साई टू दी पावर फोर बाई फैक्टोरियल फोर एंड सो ऑन और माइनस वी और अपान यह डेल टी ऐसा आ गया। अब चूंकि यह डेल टी टाइम में इसके टेंजेंट में कितना चेंज हुआ वो हमारा डेल साई है तो डेल साई हमारा स्मॉल क्वांटिटी है तो जब स्मॉल क्वांटिटी हो तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं उसका स्क्वायर करें उसका पावर फोर करें पावर जितना बढ़ता जाएगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा तो हम इसमें डिफरेंस यानी डेल के वन पावर तक कंसीडर करेंगे लेकिन सेकेंड एंड हायर को निगलेक्ट कर देंगे। तब हमारा सेकेंड एंड हायर ये निगलेक्ट हो गया तब हमको बचा लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो और यह वी प्लस डेल वी इसमें सिर्फ वन आया और माइनस यह वी आया और अपान डेल टी। अब वन से प्रोडक्ट करेंगे तो यही तो बी से बी कैंसिल हो गया यानी ये हमारा आया यहाँ से यह लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल बी अपान डेल टी ये हमारा डेल बी अपान डेल टी हो गया तो डेल टी है और डेल टी जीरो को टेंड कर रहा है तो यह डी बी बाई डी टी तो ये हमारा आ गया डी बी बाई डी टी डी बी बाई डी टी। तो एक तो जो हमारा एक्सीलरेशन का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फार्मूला हुआ वो डी बी बाई डी टी इसी को यदि हम वी की वैल्यू निकाल चुके हैं वी निकला है डी एस बाई डी टी तब उसको जब लिखेंगे तो यहाँ से यह डी बाई डी टी आप डी एस बाई डी टी ये वी की वैल्यू डी एस बाई डी टी है और उसी को एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तब ये हमारा आ जाएगा डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर या इसी को एस डबल डॉट एस डबल डॉट तो ये हमारा नोटेशन है। तब हमने क्या किया है कि इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालने के लिए डेल्टा टी टाइम में देखा कि इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ उसमें डेल्टा टी टाइम से डिवाइड कर दिया कास का फार्मूला जो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में उसका हमने लिख लिया डेल स्मॉल क्वांटिटी है इसलिए उसके
सेकेंड एंड हायर पावर्स को हमने निगलेक्ट कर दिया और तब जो आया वो हमारा डीवी बाई डीटी आ गया। अब इस वी की वैल्यू हम लोग अभी अभी टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाले हैं कि डीएस बाई डीटी, वी की वैल्यू डीएस बाई डीटी, तो डीएस बाई डीटी को एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो एक डॉट और सेकेंड डेरिवेटिव है तो डबल डॉट, इसका मतलब टी के रिस्पेक्ट में एस का टू टाइम्स डेरिवेटिव। तो ये तो हम लोगों ने टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकाला। अब हमको नॉर्मल एक्सीलरेशन निकालना है। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन के लिए जो हम कंपोनेंट इसका निकाले हैं पी पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखेंगे, तो जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखेंगे तो यहाँ वी प्लस डेल वी साइन डेल साई होगा, ये हमारा टेंजेंट के लांकास में आएगा और टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो आएगा वो हमारा साइन में आएगा। तो अब इस पे वी पे नॉर्मल वेलोसिटी जीरो है, टी टाइम पर नॉर्मल वेलोसिटी जीरो है। तो जब टी पर टेंजेंशियल वेलोसिटी था तब टी प्लस डेल टी पर टेंजेंशियल वेलोसिटी में से टी की टेंजेंशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन यहाँ टी पर हमारा नॉर्मल वेलोसिटी जीरो है। इसके पहले आर्टिकल की गई कि हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी तो मिलता है लेकिन नॉर्मल वेलोसिटी जीरो, तो यानी इसका जो टी प्लस डेल टी टाइम पे टेंजेंट के अलांग जो वेलोसिटी होगा वही हमारा उसमें से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे नॉर्मल वेलोसिटी तो वही बचेगा। अब उसमें डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्सीलरेशन आएगा नॉर्मल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एट पी, पी पर जो नॉर्मल एक्सीलरेशन होगा उसको हम लोग यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ से पी पर निकालना इसलिए लिमिट डेल्टी टेंस टू जीरो और यह चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पी इन टाइम डेल्टी अपान डेल्टी, यानी डेल्टा टी टाइम में टेंजेंट जो पी है उसके नॉर्मल में कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ ये हमको निकालना है। तब यहाँ से लिमिट डेल्टी टेंस टू जीरो, अब ये देखेंगे कि और वी प्लस डेल वी है तो इधर टेंजेंट के लांकास लेकिन टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन, तो यह वी प्लस डेल वी और यह साइन डेल साइन। अब टी पर ये टी प्लस डेल टी पर हमारा नॉर्मल के लांग वेलोसिटी हुआ लेकिन टी टाइम पर नॉर्मल वेलोसिटी जीरो है, इसलिए माइनस जीरो करेंगे तो इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब यहाँ से डेल टी ऐसा हमने किया, अब साइन डेल साई का फार्मूला लिख लें, तब यह वैल्यू आ गया लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो वी प्लस डेल वी और साइन डेल साई का डेल साई माइनस डेल साई का क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री एंड सोवा, ये वैल्यू आया और अपान डेल टी ये हमको मिल गया। अब हम देख रहे हैं कि सेकेंड एंड हायर को निगलेक्ट करना है, तब हमको केवल डेल साई ही मिला, इसका मतलब यह लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो अब भी प्लस डेल भी और यह डेल साई और अपान डेल टी और डेल साई का प्रोडक्ट करें तो डेल साई का प्रोडक्ट करेंगे तो भी डेल साई, लेकिन डेल भी और डेल साई ये डेल में सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंस हो गया तो सेकेंड को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसकी जो वैल्यू आया वो हमारा लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो और भी डेल साई और अपान डेल टी यही हमको मिल। ये डेल भी और डेल साई ये डेल में सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंस है तो सेकेंड को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से ये डेल साई बाई डेल टी और डेल टी टेंस टू जीरो, इसका मतलब भी डी साई बाई डी टी,
ये हमारा आ गया भी डी साई बाई डी टी हो गया। अब इसी में हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, हमारा नॉर्मल एक्सीलरेशन आ गया, लेकिन एक इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ डी साई बाई डी टी में डी एस को डिवाइड करते हैं और डी एस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसी को हम लिख सकेंगे यह भी डी साई बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। यहाँ से भी रहा डी साई बाई डी एस दिया और ये डी एस अतिरिक्त था तो यह डी एस बाई डी टी। अब डी एस बाई डी टी यह फिर भी हो गया तो भी इंटू भी वी स्क्वायर। और हम लोग बी एस सी वन में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल चुके हैं जिसको रो से डिनोट करते हैं और रो की वैल्यू डी एस बाई डी साई होता है। तो जब डी एस बाई डी साई रो तो ये हमारा डी साई बाई डी एस है तो ये वन बाई रो, यानी इसकी वैल्यू हमको मिल गया यह भी स्क्वायर। या एक बार आप और लिख लें तो यह भी और इसकी वैल्यू वन बाई रो और फिर यह भी, ये भी आपका रहा और डी एस बाई डी साई होता है तो रो होता है और जब ये इसी को वन बाई डी एस बाई डी साई लिख सकते हैं तो हमारा वन बाई रो और डी एस बाई डी टी यह भी, यानी भी स्क्वायर और बाई रो यही हमारा नॉर्मल एक्सीलरेशन का फार्मूला हो गया। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन में भी टेंजेंशियल में भी इसको लिखा गया, इतना ध्यान इतना ही रखना है। टेंजेंशियल के लिए यहाँ टी टाइम पर टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है लेकिन नॉर्मल वेलोसिटी जीरो, तो जब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा तो टी प्लस डेल टी टाइम में टेंजेंट के लांग तो भी प्लस डेल भी क्रॉस डेल साइन और में से भी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी के लांग चेंज टेंजेंट में हुआ। लेकिन जब नॉर्मल एक्सीलरेशन लेना होगा तो भी प्लस डेल भी का टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो भी प्लस डेल भी साइन डेल साइन, और चूंकि टी टाइम पर नॉर्मल वेलोसिटी जीरो है तो जीरो सब्ट्रैक्ट होगा तो इतना ही रह जाएगा, तो उसी को हम लोगों ने साइन डेल साई का फार्मूला लिख लिया और सेकेंड डिफरेंस जहाँ जहाँ से आएगा उसको हम निगलेक्ट कर देंगे एंड हायर, तब हमको यह मिल गया। अब इसमें इतना ही करना है कि डी साई बाई डी टी तो है लेकिन इसमें एक और हम एडजस्टमेंट किए हैं स्टैंडर्ड फार्म में याद रखने के लिए, डी साई को डिवाइड किया डी साई से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा वन बाई रो आ गया और यह भी आ गया तो भी स्क्वायर बाई रो, ये हमारा नॉर्मल एक्सीलरेशन का फार्मूला हो गया। तब इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कोई भी पार्टिकल है किसी कर्व पे मूव कर रहा है तो उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी डी एस बाई डी टी हुआ, नॉर्मल वेलोसिटी जीरो हो जाता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर या डी वी बाई डी टी दोनों में जो भी आप चाहें, तो ये हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा और नॉर्मल एक्सीलरेशन वी स्क्वायर बाई रो वेयर रो इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह से ये चार फार्मूले का डेरिवेशन किया गया और इसका यूज एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में हम लोग करेंगे और फिर वो नेक्स्ट वीडियो।